नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। दोस्तों, कुछ लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने में कुछ समस्याएं हो आ रही हैं। समस्याएं इस तरह से हैं कि वे लोग अपने नज़दीकी CSC सेंटरों पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, या जहां पे भी आयुष्मान कार्ड बन रहा है वहां पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, ये वीडियो देखिए और वो खुद से भी अपने घर पर बैठे भी अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस पोर्टल पर आना होगा, beneficiary.nha.gov.in। इस पोर्टल को आप गूगल में लॉगिन करिएगा और गूगल में लॉगिन करते ही इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने में खुल जाएगा। ये इंटरफेस रहेगा, आप देखिए यहाँ पे लॉगिन एज करके दिया हुआ है। लॉगिन एज में दो तरह के ऑप्शन है, बेनिफिशियरी और ऑपरेटर। तो आपको ऑपरेटर पे नहीं, बेनिफिशियरी पे क्लिक कर लेना है। ये जो कैप्चा दिया हुआ है इसको आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। और उसके बाद कोई भी मोबाइल नंबर एक यहाँ पे डाल लेना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद इसको वेरीफाई करिए और वेरीफाई में देखिए मोबाइल OTP का ऑप्शन आएगा। अब आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा। इस OTP को हमने फिल कर दिया है। अब यहाँ पे एक और कैप्चा आपको दिख रहा होगा, इस कैप्चा को भी यहाँ पे फिल कर देंगे। जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे फिल कर। उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने में खुल जाएगा। देखिए गेस्ट लिखा हुआ है, तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल जाएगा। अब हमें यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से हम लोग हैं। तो मान लीजिए मैं बिहार से हूँ तो बिहार सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट बक्सर है। और किस माध्यम से आप खोजना चाहते हैं, जैसे फैमिली ID यानी राशन कार्ड का नंबर, आधार नंबर या PMJAY ID, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ID है। अगर ये है तो इसे या इससे, आधार नंबर से या फैमिली ID से, जो भी आपके पास है उससे आप इसे खोज सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार नंबर से खोज के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ आधार नंबर का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। और कैप्चा फिल करने के बाद देखिए ये सर्च का ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। ये क्लिक करते ही मेरा डिटेल खुल चुका है। तो हम लोगों ने अपना बनवा लिया है आयुष्मान कार्ड। इसी तरह मान लीजिए आपका नाम यहाँ पे दिखाई देगा, नाम के ठीक सामने में लास्ट वाला एक्शन का कॉलम है। एक्शन वाले कॉलम में यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने KYC का ऑप्शन इस तरह से खुल जाएगा। अब KYC में आपका आधार नंबर अगर मोबाइल से जुड़ा हुआ है तब तो आसानी से हो जाएगा, अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो इसके लिए आपको बायोमेट्रिक मशीन खोजना पड़ेगा। तो आधार नंबर जुड़ा हुआ है तो यहाँ से आप वेरीफाई करिएगा। तरह का एक इंटरफेस आएगा, यहाँ से अलाउ कर देना है। देखिए वेरीफाई करते ही आधार का बेनिफिशियरी आधार OTP यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम उस OTP को फिल करते हैं। और यहाँ पे एक मोबाइल OTP आया है, इसको फिल कर देंगे। दोनों OTPs को फिल करने के बाद ऑथेंटिकेट करेंगे। वाले में मोबाइल OTP को फिल करना है। तो
तो ये मेरा अभी नहीं ले रहा है इसलिए कि मेरा बन चुका है। यहाँ पे देखिए ऑथेंटिकेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ऑथेंटिकेट पे क्लिक करिएगा और क्लिक करते ही आपको अगले स्टेप में ले जाएगा अगले इंटरफेस पे। वहाँ पे आपको अपना फ़ोटो खींच कर डालना है, कुछ डिटेल है डिटेल फिल करिएगा, उसके बाद सबमिट का बटन आएगा सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करते ही आपका ये जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना का कार्ड जो है वो बन जाएगा। और बनने के 10 मिनट 15 मिनट बाद आप उस कार्ड को फिर सेम प्रोसेस है, यहाँ पे देखिए डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से डाउनलोड करके आप निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए शेयर करिए। भारत माता की जय।